ये रहे, ये निकाला मैंने, तो ये अपने ऐसे इसको बकल को जो है बंद कर देना है यहाँ से। तो मैं जब ये चीज़ें सब सेट करता हूँ, बैठा के देखते हैं बाइक को थोड़ा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम सोहेब मलिक। तो आज का व्लॉग जो है, हम मोटो व्लॉगिंग का सेटअप लाया हुआ है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास GoPro तो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन से ही व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैंने पहले रिसर्च की थोड़ी बहुत Amazon वगैरह से, Flipkart से कौन सी बेस्ट, फिर वीडियोस देखी है YouTube पे। तो मैंने अपना जो नॉलेज कलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें जो थी मैंने ऑर्डर की है Amazon से। तो वो सारी चीज़ें हम आज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, कैसे आपको एक जो फ़ोन है वो माउंट करना है अपने हेलमेट के ऊपर। मैंने सारे जो माउंट्स हैं वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपको उसको अनबॉक्स करके वो सब दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट। तो पहली वाली चीज़ जो हम अनबॉक्स करेंगे वो ये अगला चिन का माउंट है हेलमेट के ऊपर, जो कैसे आपको स्टेबल करके इसको रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो लोग को लगाते थे वो इसमें एम सील वगैरह लगाते थे, उसके चिपका के उस पर GoPro या कैमराज जो भी एडजस्ट करते थे इस पर। लेकिन अब जो क्या है, अब नया माउंट आया है, एक्शन प्रो होता है ये। तो इसका ये मैंने लाया हुआ था, अमेजोन से ऑर्डर किया, मैं आपको दिखाता हूँ इसको अनबॉक्स करके। ये रहेगा ये बॉक्स, करते हैं अनबॉक्स को जल्दी से। पेपर वर्क, तो पहले वाला जो हमने ये निकाला है, ये भी एक अडाप्टर रहता है इसका माउंट करने वाला। देन आफ्टर ये सेकंड ये चेन वाला माउंट है जो हमें चाहिए ज़रूरी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी हम चीज़ें अनबॉक्स करते हैं, लेकिन फर्स्ट मैं एक एक करके आपको फिट करके दिखाऊंगा ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। ये एक्शन प्रो, ये देखो आप, ये इसका प्रोडक्ट है, करता हूँ अनबॉक्स यहाँ से। तो ये रहता है ये आपके हेलमेट पे, मैं दिखाता हूँ। ये जैसे हमारा हेलमेट है, ये राइट साइड में, इसको मैं लेड को ऊपर करता हूँ, तो ये फ्रंट पे लगता है ऐसे, आप देख सकते हो ऐसे। इसमें रबर की ये बिल्कुल ऐसे फ्लेक्सिबल होता है, तो ये मैं यहाँ पे जब फिट करूँगा तो उसके बाद जो है ये दोनों रैपिंग अंदर वाली साइड से आएगी, एक ये आएगी, देन ये वाली अंदर साइड से आएगी। मैं दिखाता हूँ एक एक करके, एक नीचे से भी, ये दो हैं, ये एक ऐसे आएगी, तो एक ऐसे आएगी। तो आप जो स्कूल की बेल्ट होती थी हमारी पहले, तो जैसे हम वो पहनते थे वैसे ही स्ट्रिप इस पर भी होता है, देखो ये देख सकते हो आप। तो ये आपने इसके बीच में से निकालना है, जैसे ही मैं दिखाऊंगा आपको, ये रहे, ये निकाला मैंने। तो ये आपने ऐसे इसको बकल को जो है बंद कर देना है यहाँ से। तो मैं जब ये चीज़ें सब सेट करता हूँ, इसके ऊपर फिट कर देता हूँ, फिर ही आपको मैं वीडियो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। ये वाले जो चेन का माउंट है ये मैंने लगा दिया, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इस पर। ये बेल्ट की मैंने वो आपको मैंने जैसे समझाया था, मैंने बंद कर दी है, बिल्कुल टाइट जो है लुक है इसकी, मतलब निकल नहीं सकती कुछ भी चीज़ आप इस पर लगाते हो। अब इसके बाद जो है सेकंड चीज़ जो हमें इस पर लगानी है, वो हमारे पास ये भी एक्शन प्रो का ही आता है इसमें, ये वाला माउंट आप देख सकते हो इसको, हम इसको ऐसे करके लगाएंगे। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसके दो, ये जैसे बैग को होते थे हमारे पहले, सेम ऐसे हमने इसके बीच में रखना है। तो ये देखो आप देख सकते हो, ये हो गया फिट इसमें। ओके, अब ये चीज़ हो गई फिट। अब इसके बाद क्या है, तीसरा जो हमारे पास चीज़ है वो ये वाला माउंट रहेगा, ये देखो ये दोनों हैं। लेकिन इसके साथ हमें एक फ़ोन का होल्डर भी चाहिए, जो आप मतलब फ़ोन जिस पे आपने अगर फ़ोन लगाना है तो फ़ोन ही एडजस्ट होगा इसके आगे। तो फ़ोन का होल्डर मैंने ये भी अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ये एक माउंट और है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा इसका यूज़ कहाँ होता है। देन आफ्टर हमें ये चाहिए, जो ये इंपॉर्टेंट माउंट है, हमें ये चाहिए। हमने क्या करना है, ये आपको अलग से इंडिविजुअली ख़रीदना है। अब जो ये मैंने जो माउंट आपको दिखाए थे, इसको आपने इसके पीछे एडजस्ट करना है, जैसे मैं दिखाऊँगा आप मेरे को फॉलो करना। इसमें रबर का मटेरियल लगा होता है, हम इसके पीछे रखते हैं, मतलब एक कंपनी अच्छी चाहिए जो फ़ोन को अच्छे से पकड़े, ग्रिप हो अच्छे स्ट्रांगली। तो ये मैंने पीछे बैक साइड रखा इस पर, ये देखो ऐसे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे एडजस्ट करोगे इसके, देख सकते हो आप कैसे एडजस्ट हो रहा है, ये हो गया फिट बिल्कुल। तो अब इसके बाद क्या करना है, इस माउंट का जो मैंने आपको फ़ायदा बताया, ये वाला देखो, इसमें दो आते हैं, DSLR के लिए भी आएगा। सॉरी एक मिनट रुको,
ऊपर से यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीने भी आ रहे हैं, क्या कहूँ। फिर इसकी वजह से थोड़ा चीज़ों को पकड़ने में इस तरफ दिखा दो, ये देखो इस तरफ ये मैंने इसके बीच में लगाना है, ये वाला माउंट जो मैंने फिट किया ये ऐसे ही एडजस्ट किया मैंने इसके बीच में, ये देख सकते हो ऐसे। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला था ये जो स्क्रू था ये इसके बीच में लगाना है, आपने देख सकते हो आप इधर देख सकते हो आप। ये हो गया आपका सेटअप तैयार फ़ोन को होल्ड करने का। इस पर आप बिल्कुल स्ट्रांग है, अच्छा फर्म, आप कुछ भी मतलब जितना आप टाइट रखना चाहते हो, स्टेबल रखना चाहते हो, फ़ोन इस पर एडजस्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसका ध्यान रखना है कि आपका जो लिड है वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर लिड बंद नहीं होगा हेलमेट का तो आपको क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, इसमें हवा वगैरह भी अंदर आती है। फिर ये हो जाएगा आपका क्लोज, ये फिट है ये। अब मैं फ़ोन इस पर अपना माउंट करूँगा यहाँ फ्रंट पर, तो फिर हम उसके बाद वीडियो शूट करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, ऐसे करके आपने ये आपने फिट किया है इसमें फ़ोन। तो ये रहेगा आपका सेटअप। अब ये इसके बाद देखो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, गिरने विरने का कोई ख़तरा नहीं है इसमें, देख सकते हो आप। अब इसके बाद हम बाहर जाएंगे, हम वीडियो शूट करते हैं इस पर, तो कैसा लगेगा व्लॉग करके मैं आपको शूट करके पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। फिर तब तक मैंने हेलमेट जो है वो पहन के रखा है और फ़ोन जो है इसके ऊपर माउंटेड है। अब हम टेस्ट करते हैं, हम इसको बाइक को राइड करते हैं, तो आप मुझे बताना आवाज़ कैसी आ रही है मेरी। तो चलो यार, इस रोड पे बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ अलग से होता है। तो आई होप आपको जो ऑडियो है मेरी काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। तो ईयरफोन जो है वो माउंटेड है हेलमेट के अंदर। कितनी ज़्यादा स्मूथ रोड है देख सकते हो आप, बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में इस रोड पर। ये देखो लोकेशन देखो, वाह यार मज़ा आ गया। इस टाइम इस वाली लोकेशन पे फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे, देख सकते हो आप, मतलब ये ब्रिज सा है यहाँ पे, ये टॉप पे यहाँ स्कूल भी बना हुआ है, एक इंटरनेशनल डीपीएस स्कूल एक बना, एक ब्रांच खुली हुई है यहाँ पे। बता के देखते हैं बाइक को थोड़ा, भाई को पीछे कोरोना हो गया है, थोड़ा खांसी कर रहा है भाई, कोरोना है। सो आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और राइड सेफ। तो नेक्स्ट अच्छी जो वीडियो मुझे कुछ अच्छा सा लगे, कंटेंट मिले, तो मैं शूट करूँगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।